Hello everyone, welcome to my channel. This is Nishant. As you know that I always make videos about study in Germany and life in Germany as well, and I do vlogging as well. So yaar is hafte hamara padhai ho gayi, kaam ho gaya. So ab hai kuch yaar kuch khelne ki bari ya fir kuch sports event karne ke liye. So isi wajah se main ja raha hu aaj Stuttgart cricket khelne ke liye apni team ke sath. सो वहाँ पर हम जाएंगे और मैं दिखाऊंगा आपको अपनी टीम के बारे में यार कि मैं कौन सी टीम में खेलता हूँ और अपने इंट्रोडक्शन पूरी अपनी टीम का. और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको ज्वाइन करना तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो. सो पूरा दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप भी क्रिकेट लवर हो तो. सो गाइस स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो भाई लोग ने कर लिया मुझे पिक और मैं जा रहा हूँ आज कैसे भाई के साथ हमारे साथ हैं भाई कुबेर भाई हमारे आगे बैठे हुए हैं. सो कैसे भाई? हाय. सो बताओ तो ये कि भाई मैच कैसे होने वाला है, जीतने वाले नहीं जीतने वाले आज? 100% लास्ट दो मैच लास्ट दो आज फुल कॉन्फिडेंट है हम आज. वैसे भी कैसे भाई आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स हो गई. और क्या बोलते हैं, मैं बोल रहा था यार हमारा मैच स्टुटगार्ट की टीम से है या कौन सी टीम से है? नो, इट्स अ फॉयरबाख. ओके, बट मैच हमारा स्टुटगार्ट में. यस. ओके, सो भाई मैच हमारा स्टुटगार्ट में, भाई ने बता ही दिया. सो वहाँ जाके देखेंगे हम. मैं आपको मतलब मैच का जो भी है ना कि हम वहाँ की पिचेस कैसे होती हैं, हमारे इंडिया की टर्फ वाली पिचेस होती हैं बट वहाँ पे किस तरीके से होती हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा. और अपनी टीम से का छोटा इंट्रोडक्शन भी दूंगा कि भाई कैसे कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर कैसा है जर्मनी में खेलना, स्कोर कैसा है, ये सब चीज़ें जो भी मुझे थोड़ा बहुत पता है क्योंकि मैं कुछ महीनों से भाई लोगों के साथ खेल रहा हूँ तो थोड़ा कुछ पता लगा है तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा. ओके, सो मिलते हैं ग्राउंड में पहुँचने के बाद. Well played, boys, boy. So, यार हम लोग पहुंच गए थे ग्राउंड में और हमारा मैच भी शुरू हो गया. हमारी टीम की बैटिंग चल रही है अभी और ये हमारी टीम है इधर की तरफ, सब लोग बैठे हैं और जैसे जैसे नंबर आ रहा है जिसका उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं. सो अभी हम अपने कैप्टन से पूछेंगे कि यार हमारे क्लब के बारे में और कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो अगर आपको भी खेलना है क्रिकेट, आप रियली आपको पसंद है या फिर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको बताएंगे क्या स्टेप्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इवन हेलबोर्न क्लब. एंड अगर कोई सा कहीं और प्लेसेस में भी आप आ रहे हो जर्मनी में तो आप सबको ज्वाइन कर सकते हो. हाँ, वो आपको पूरा का पूरा बताएंगे और तो हम चलते हैं उनके पास. पूरा इंट्रो हमारे हेलबोर्न क्लब का वो देंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे सब चीज़ें कर सकते हैं. हेलो गाइस, वेलकम टू निशांत चैनल.
So I am the captain of Heilbronn Cricket Club and I'm also the founder of the club. We have established this club in the year 2015, and from then we are playing in regional league and also in the DCB 2020 league. So any of you guys in and around Heilbronn can come to us and join our club. So you can, how can you find the club in Germany? So normally it's better you always contact to your seniors, jo bhi hota hai, जो भी आपका यूनिवर्सिटी में सीनियर्स होता है, जस्ट उन लोगों को कॉन्टैक्ट करो, इन लोग श्योरली उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है. सो जस्ट आपको आना है, जस्ट ट्राई टू एंजॉय द गेम. आपको ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशनल खेल चुके हो, यू कैन कम हियर एंड लर्न एंड प्ले. सो हमारे क्लब में अभी ऑलमोस्ट है 40 पीपल. हम लोग दो टीम बनाए हैं, तो सब लोगों को चांस देंगे, वी एंजॉय, वी सोशलाइज. आपको क्रिकेट खेलने से फ़ायदा यही नहीं है कि आप सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे, पर आपका सोशल लाइफ भी बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपका कॉन्टैक्ट्स भी मिल जाएंगे किसी, सब लोग ऐसा है कि सब लोग आईटी कंपनीज में काम करता है, आपको कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ जाएगा. तो जो भी कहीं भी हो, कहीं भी सिटी में हो, कॉन्टैक्ट योर सीनियर. श्योरली देर इज़ अ क्लब इन एवरी सिटी ऑफ जर्मनी. नाउ वी हैव मोर देन 500 क्लब्स इन जर्मनी. सो इफ़ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, यू कैन राइट टू निशांत और यू कैन ऑल्सो गो टू अवर वेबसाइट SS4 Klingenberg. यू कैन फाइंड इट इन गूगल. सी यू गाइस, बाय बाय. थैंक यू भाई. बढ़िया बैठे given the target 226. Ah, that's super. They are chasing, right? तो यार हम लोगों का मैच खत्म हो गया और हम लोग जीत गए. सो यार इट्स रियली यू नो हैप्पी मोमेंट फॉर अस. बट मैं आपको दिखाता हूँ अभी पिच की, पिच कैसी होती है और मतलब पिच में क्या डिफरेंस है इंडिया की पिच में और जर्मनी की पिच में. सो लेट्स सी, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की पिचेस कैसे होती है और कैसे ये बनती है. अभी तो इसके ऊपर ये पूरी मैट डाल दिए. तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, प्लैंक्स होते हैं जैसे लकड़ी के पटरे टाइप से, उन सबको एक साथ मिक्स करके मैच करके मिला दिया जाता है. अब जैसे आप इस वीडियो में देखो, डालो
हम ये 20 और 21 कुछ प्लैंक्स करके लगा देते हैं और ये पूरी पिच बन जाती है, और इसके ऊपर से मैट लगा देते हैं और साइड में इसको टाइट करने के लिए नील्स लगा देते हैं छोटे छोटे, है ना। तो इस तरीके से पूरी पिच जो होती है ना इनबिल्ड की जाती है और काफ़ी मतलब ठीक रहती है। जैसे अपने इंडिया में तो टर्फ वाली पिचेस होती हैं जो ऑटोमेटिकली जो ग्राउंड में ही बनी हुई होती हैं, तो उस पर थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है खेलने का। बट यहाँ पे क्या है कि मतलब ऑफिशियल क्रिकेट के ग्राउंड्स नहीं होते, तो इस वजह से जैसे फुटबॉल के ग्राउंड्स होते हैं तो उसी पर ये क्या बोल सकते हैं आर्टिफिशियल पिच बना देते हैं। तो यार आप लोगों ने देख ली होगी पिच की जर्मनी में कैसी किस टाइप की पिचेस होती हैं। सो ऑफ कोर्स नाउ यू गॉट टू नो लाइक हम कैसी पिचेस खेलते हैं और जर्मनी में कैसी पिचेस होती हैं और इंडिया में कैसी पिचेस होती हैं। सो नाउ अब यू नो लाइक आफ्टर विनिंग और लूजिंग एनी मैच सो वी हैव ऑलवेज टीम मीटिंग, सो लेट्स गो फॉर इट। यार इट वाज अ वेरी नाइस गेम, आई थिंक वी नीड दिस विन गोइंग फॉरवर्ड। हम लोग यही फॉर्म को आगे लेके जाना है, वी हैव टू विन ऑल द मैचेस यार। स्पेशली everyone did a really good job, I think catching Tikka, fielding, batting, bowling, everything it was amazing yaar, especially for Mohit and Veera boys, you guys were amazing boys. Now amazing, I think we have to keep going forward like this and our opening acha mila tha, that's an important point and everyone did a really good job. So in mind mein rakho abhi positive aise aage leke jao, I think we'll win all the matches coming guys and we have to beat all the teams which is coming in our boys. फाइनली यार हम जीत गए मैच 148 रनों से, हम जीते 225 रन हमने बनाए थे, 148 रन से जीते। और भाई भाई वीरा भाई हमारे आज के स्टार बॉलर, चार विकेट और चार बॉल पे ऐसा होता है चार। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड और जो आगे भी वीडियोस में डालने वाला हूँ क्योंकि स्टडी से रिलेटेड भी और भी जो भी अगर आपको जिम कैसे ज्वाइन करना है या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और भी कैसी होती हैं, पेड होती हैं नहीं होती हैं, या फिर मतलब ऑल अबाउट जर्मनी, ऑल अबाउट स्टूडेंट लाइफ, सब कुछ मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूँ। सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू आर गोना गेट सो मेनी अपडेट्स अबाउट जर्मनी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।